बक्सर से बड़ी खबर आपको हमने बताई कि 6 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई और अब इस सूचना के बाद पुलिस की जो टीम है वो जांच करने के लिए पहुंची हुई है। देखिए बक्सर जिले के मुरार की ये तस्वीरें हैं जो हम आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं। अहले सुबह की तस्वीर है, 27 जनवरी की सुबह की तस्वीर है। देखिए स्थानीय लोग किस तरीके से इलाके में इस घटना के जानकारी मिलने के बाद उनके बीच कोतूहल मचा हुआ है। सभी लोग बाहर निकले हुए हैं। जो प्लेट आप देख रहे हैं, जो पार्टी की तस्वीर है जिसमें जहरीली शराब की बातें सामने आई है और अब पुलिस की टीम पहुंच के उस पूरे इलाके की जांच में जुटी हुई है। देखिए किस तरीके से एक एक जगह की जांच की जा रही है। भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई है, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है उन सभी लोगों को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो प्रशासन के जो लोग हैं वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे, यानी मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ भी सकती है। फिलहाल जो स्थिति है वो बनी हुई है। जहरीली शराब से मरने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से जो 6 लोगों की मौत हुई है उसके बाद अब यह प्रशासन के जो लोग हैं उनका कहना है कि जांच में पहली नजर में यह सामने आ रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो है वो जांच का है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस के लोग, प्रशासन के जो लोग हैं वो साफ साफ कहने से बच रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अहले सुबह जिला पदाधिकारी की जो टीम होती है, जिला प्रशासन की जो टीम होती है, वो सीधे तौर पर मुरार गांव पहुंचे हुए हैं और उस इलाके में अब खोजबीन शुरू हो गई है, जांच शुरू हो गया है। जो पार्टी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, देखिए किस तरीके से जूठे जो पत्तल गिलास हैं वो फेंके गए हैं। अब इन तमाम चीजों के सैंपल के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। जो जांच विभाग की टीम गई है वो इसे इकट्ठा कर रही है। साथ ही साथ ये जो पूरी घटना घटी उसके बारे में बता दें, हम जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुरार इलाके के अंसारी गांव में बुधवार की शाम कई लोगों ने शराब का सेवन किया था। तकरीबन 10 बजे रात में इन सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ये सभी लोग शराब के सेवन किए थे। इन लोगों ने शराब पिया था और पार्टी की थी, उसके बाद इन सब की तबीयत आधी रात को बिगड़नी शुरू हुई। उनमें कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर स्थिति में है, उनकी जो इलाज है वो चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि बक्सर के एक प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है जहां पे अब भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की जो उम्र है वो उनमें 60 साल के सुखू मुसहर है, 55 साल के शिव मोहन यादव, 48 साल के भिखरू सिंह, 35 साल के मिक्कू सिंह और 30 साल के आनंद कुमार सिंह शामिल है। जिन लोगों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है उसमें बंटी सिंह, मुन्ना चौधरी, संजय चौधरी शामिल है। इन सबका इलाज बक्सर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। देखिए जैसे इस बात की जानकारी मिली अहले सुबह जिला प्रशासन की जो टीम है, बक्सर पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई है। देखिए गाड़ियों की कतार हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अहले सुबह, साथ ही साथ जूठे पत्तल और गिलास जो है वो झाड़ियों में फेंके गए हैं और झोपड़ियों में जो जांच है वो की जा रही है। उन तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी घटना घटी है उसके बाद से जैसे इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली है, लोगों का हुजूम उस जगह पर पहुंचा हुआ है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हर व्यक्ति यह सुन के दहल जा रहा है कि अभी जहरीली शराब
से नालंदा और छपरा में कई लोगों की मौत हुई थी। उनकी मौत की जांच रिपोर्ट भी अभी नहीं आई थी कि एक बार फिर से बिहार के बक्सर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।